पास हुआ करता है, वास्तव में आया कि बाबा ने पता चले बताया है कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों का आपत्काल में सहयोग जैसे मतलब हो रहा है सरकार की दिशा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी, अपने अंदर कितना धैर्य है। जब आपत्ति आती है तो पता चलता है कि हम कितने धीर धैर्यवान हैं। धीरज हमारा कितना साथ देता है। धीरज होगा तो हम घबरावेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं सदा एक सा समय किसी का सुना और देखा नहीं जाता है। समय जरूर बदलता है, कौन कितना धर्मात्मा है। हमारे अंदर धर्म की धारणा कितनी है ये भी पहचान में तब आता है जब हमारे ऊपर परिस्थितियां आती हैं। आपदाएं आती हैं, तो हम धन पर कितना आरूढ़ रहते हैं। धर्म को कहीं छोड़ तो नहीं देते। अगर हम धर्म को छोड़ेंगे तो धर्म हमारा साथ छोड़ देगा। धर्म में ही शक्ति होती है, अधर्म अशक्त बनाता है। ऐसे ही मित्र परखने में आता है कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है। पक्का दोस्त वो है जो कोई भी प्रकार की आपदा में साथ न छोड़े, आज से अंत तक साथी बनकर के रहे। इसलिए खुदा दोस्त गाया हुआ है। जो संसार की आखिरी आपदा आती है महाविनाश, उस महाविनाश के टाइम पर साथ साथ छोड़ देते हैं। जैसे सन 47 में शूटिंग हुई, ब्राह्मणों की दुनिया में छोटी सी शूटिंग हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ढेर सारा खून खराबा हो गया, छोड़ छोड़ करके भाग गए। जिनको इतना प्यार करते थे कि साथ साथ तालों के अंदर बंद करके रखते थे, कहीं हमारा साथ न छोड़ जाए, वो भी छोड़ करके भाग गए। और नारी अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों में अनेकों साथी हुए होंगे। जीवन साथी को नारी कहा जाता है। तो सच्ची पवित्र पतिव्रता नारी कौन है जो आपदाओं में सदा साथ देती रहे।
उसका भी पता आपदाओं में लगता है, ये तो सब जानते हैं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख में तो सब साथी बन जाते हैं, जब दुख आता है आपदाएं आती हैं उस टाइम भी कोई साथी बना रहे और साथ न छोड़े, अंत तक निभाता रहे, उसको कहते हैं जीवन साथी, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी। और माता जो आदि ब्रह्मा है उनको देना है, आदि ब्रह्मा योगदान देना है मामा को। आदि माता गीता माता तो अभी तो मामा को तो योगदान देना है, लक्ष्मी को तो आह्वान करना है तो याद में कैसे उसके बारे में। एक होता है आवाहन करना, आ जाओ तुम्हारे बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, आना ही अनिवार्य है। इसलिए जन्म जन्मांतर बुलाते रहे, पतित पावन बाप को क्या बुलाया, पतित पावन सीताराम, सीता का नाम पहले राम का नाम बाद में। पतितों को पावन बनाने वाला भगवान गाया हुआ है या भगवती गाई हुई है, भगवान गाया हुआ है, फिर भी भगवान का नाम पीछे कर दिया और भगवती का नाम पहले रख दिया, क्यों? क्योंकि नियम है जो भगवान भगवती का टाइटल धारण करने वाले हैं वो भी भगवान भगवती का टाइटल तब तक नहीं ले सकते जब तक प्रवृत्ति मार्ग की परंपरा पूरी न करें। ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन होता है, प्रवृत्ति मार्ग में माता को गुरु बनाना जरूरी है, पवित्रता के मामले में। ये पवित्रता की पढ़ाई परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं और वो पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने वाला भी जो टीचर है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए या सिर्फ बातें बनाने वाला होना चाहिए। भगवान तो आते हैं पुरुष रूप में, लेकिन पुरुषों को क्या बता दिया, कलयुग में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, सतयुग त्रेता की बात नहीं की। कलयुग अंत में जो पुरुष चोला है वो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ जाता है, पर भगवान तो पतितन में ही आवेंगे। भगवान आवेंगे, परमधाम से आवेंगे, क्या लावेंगे? कुछ लाते हैं? अरे आते हैं तो कुछ देते हैं,
क्या देते हैं? अरे नई दुनिया तो बाद में बनेगी, पहले तो ज्ञान ही देते हैं। ज्ञान अर्थात जानकारी, तो जो जानकारी है ज्ञान है, जानने की बात है, वो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। दिमाग कहते हैं, बुद्धि। बुद्धि सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि भी होती है और भ्रष्ट बुद्धि भी होती है। भगवान आता है वो तो सदैव ही श्रेष्ठ बुद्धि है, उसकी मत अर्थात बुद्धि सदैव ही श्रीमत गाई जाती है, परंतु आता किस में है? पतित तंधारी में आता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है या श्रेष्ठ होती है, भ्रष्ट बुद्धि होती है। उन्होंने रामायण में खुद ही लिख दिया, अपने ही शास्त्रों में अपने हाथों से लिख दिया, मैं पतितनु को राजा। क्या दुनिया में जितने पतित मनुष्य हैं उन पतितों का राजा कौन? मैं खुद। तुलसी ने लिखा, बाबा ने बताया, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में बैठ लिखी, तो अपने ही मुंह से अपने को बताई दिया कि दुनिया से का सबसे जास्ती पतित मनुष्य मैं स्वयं हूं। अब पतितन में भगवान आवेंगे, ज्ञान तो भगवान सुनावेंगे। जिस मुख के द्वारा सुनाते हैं, जिस तन के द्वारा सुनाते हैं, वो तन है पतितात्मा का। तो पतित कर्म करेगा या पावन कर्म करेगा? साधारण मनुष्य तन है तो साधारण कर्म करेगा या असाधारण कर्म करेगा? साधारण कर्म ही करेगा। अब कर्मों में परिवर्तन कैसे हो? तो ज्ञान सुनने सुनाने की चीज है, उससे परिवर्तन हो जाएगा या धारण करने कराने की भी चीज है? धारण भी करना है और दूसरों को कराना है, पहले खुद धारण करना है। और धारणा प्योरिटी से होती है, दुर्योधन दुशासन वृत्ति से धारणा नहीं हो सकती। वो प्योरिटी जन्म जन्मांतर की प्योरिटी भारत के राजाओं में नहीं रही, भारत की रानियों में रही है। भगवान बाप आकर के जिन आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, सन्मुख बैठा कर वो रुद्रमाला के मन के तो रुद्र बाप के बच्चे हैं। जो राजयोग सीख करके राजा बनते हैं, ज्ञान तो लेते हैं
परंतु धारणा नहीं कर सकते। धारणा तब होती है जब बाप की वो श्रीमत जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव अपनावे, जिसमें कहा गया है माता गुरु बनाए बगैर उद्धार हो नहीं सकता। और तो गुरु का तो दुनिया में भक्ति मार्ग में भी कितना मान सम्मान देते आए, गुरु बनावेंगे तो मान सम्मान देना पड़ेगा या ऐसे ही गुरु हो जाएगा? है ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकल में धारणा भी चाहिए। तो अपने जीवन में देखना है, खास पुरुषों को देखना है। कहते तो हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, परंतु माता गुरु जो निमित्त बनती है पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने में, उसको कितना मान देते हैं? अगर मान देते हैं तो आगे बढ़ेंगे, मान नहीं देते हैं तो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए माता को गुरु बनाना पड़े। बाप आते हैं तो बताते हैं तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, राम है एक। तो बल पत्नी का संबंध है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, वो पत्नी का संबंध लौकिक संबंध था या अलौकिक में भी चालू रहता है? रहता है, है? रहता है? नहीं रहता। कौन सा संबंध बन जाता है? आत्मा आत्मा भाई भाई। और भाई में अगर ये योग्यता है कि वो प्योरिटी में हमसे आगे है, हम प्योरिटी में पीछे, तो पवित्रता के मामले में जो पवित्र है वो ही गुरु है, वो ही ज्ञान को धारण कर सकता है और करा सकता है। इसलिए जो लक्ष्मी है वो नारायण के पात्र से भी पहले नाम लेने योग्य है। इसलिए जैसे सीताराम कहा जाता है वैसे लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है। लक्ष्मी का आह्वान पहले करना पड़े। आवाहन करना क्यों, क्यों बुलाना? कुछ काम लेना है तो बुलाना है, मान सम्मान देना है तो गुरु का आवाहन करते हैं। जरूर गुरु से कोई शिक्षा लेनी, और ये तो है पवित्रता की प्रैक्टिकल शिक्षा, इसलिए आवाहन करना ही पड़े। और जगदम्बा का आवाहन करने के लिए नहीं बोला, जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये भी नहीं बोला। नारी से जगदम्बा बनना है ये भी नहीं बोला, परंतु प्रकृति को जब तक पावन नहीं बनाया है
तब तक ये दुनिया पवित्र दुनिया नहीं बनेगी, स्वर्ग नहीं बनेगी। और प्रकृति का ये चोला है, मानवीय चोला, प्रकृति का श्रेष्ठतम नमूना है। इसे निरोगी नहीं बनाया तो नई दुनिया कदापि नहीं बनेगी, क्योंकि पहले अपनी आत्मा से प्यार होता है, फिर दूसरे नंबर में दुनिया में किससे प्यार होता है? देह से प्यार होता है। तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, सिर्फ आत्मा के पवित्र बनने से काम नहीं पूरा होगा, आत्मा के साथ साथ देह को भी पवित्र बनाना है। और ये देह के पांच तत्व तो तभी पवित्र बनेंगे जब हम याद की पराकाष्ठा पर पहुंचे। याद से ही पांच तत्व पवित्र बनेंगे। पांच तत्वों का पवित्र बनना अर्थात प्रकृति का पवित्र बनना। तुम बच्चे प्रकृति को भी पावन बनाते हो अपनी याद के बल पर। तो याद का दान देना है, और याद का दान वही दे सकेंगे जिन्होंने अपनी आत्मा अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र बनाया। मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, पवित्र नहीं बनी है, तो प्रकृति को पावन नहीं बना सकते। और प्रकृति का चैतन्य पुतला है जगदम्बा। जगदम्बा का आवाहन नहीं करना है, परंतु वेदांत तो छूटे ग्रहण। ये पांच विकारों का ग्रहण आत्मा को तो लगता ही है, लेकिन आत्मा को तब लगता है जब आत्मा पांच तत्वों का पुतला धारण करती है, अर्थात प्रकृति का मेल होता है आत्मा से। तो प्रकृति को पावन बनाने के लिए प्रकृति को योगदान भी जरूर देना है। आवाहन नहीं करना है, क्या करना है? याद का दान देना है। जैसे सूर्य ग्रहण भक्ति मार्ग में होता था, चंद्र ग्रहण होता था, तो क्या करते थे? बंगी चिल्लाते हैं, चांडाल चिल्लाते हैं, देदान तो छूटे ग्रहण। क्या करें, किसको दान दें? है? अरे किसको दान दें तो छूटे ग्रहण है। सूर्य और चंद्र को याद का दान देना है, याद की शक्ति देना है। अब चंद्रमा का प्रैक्टिकल रूप तो जगदम्बा ही है, और सबसे पहले प्रैक्टिकल रूप ब्रह्मा था। अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा प्रैक्टिकली कौन से शरीर में कार्य करती है? है? दो ही शरीर हैं,
एक सूर्य और एक चंद्र, उसे कहते हैं ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाता है, और एक है ज्ञान सूर्य। दोनों ही पार्ट इस समय महागोरे हैं या महाकाले हैं? है क्या कहेंगे? महाकाल और महाकाली का पार्ट पहले प्रत्यक्ष होता है। जब राम की बारात निकलती है या शिव की बारात निकलती है तो आगे आगे किसको दिखाया जाता है? महाकाली को दिखाया जाता है। और महाकाली कोई विधवा नहीं है, महाकाली है तो साथ में महाकाल भी है। याद या योग बल कमजोर को दिया जाता है या पावरफुल को दिया जाता है? गरीब को दान दिया जाता है या साहूकार को दिया जाता है? गरीब को दिया जाता है। सबसे जास्ती गरीब है कन्याएं माताएं, उन कन्याओं माताओं की जो मुखिया है, मुख्य भुजा है, वो है जगदम्बा। उसे याद की शक्ति से परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकृति जड़ है, जड़त्व में बुद्धि वाली है, वो भगवान को पहचान करके भी नहीं पहचान सकती। जड़ नहीं भगवान को पहचानेगा, परंतु जानवर से जानवर बुद्धि कोई क्यों न हो, हेता नहीं तो सब कोई पहचानता है। शास्त्रों में मनीषियों ने लिख दिया, हित अनहित पशु पक्षी उजाना, कितना भी जड़ तुम्हें बुद्धि हो, प्यार को और द्वेष को सब पहचान लेते हैं। तो याद की ताकत से प्रकृति को भी पवित्र बनाया जा सकता है, परंतु याद की ताकत उनकी काम करेगी जिनकी आत्मा खुद एकाग्र बुद्धि हुई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। पहले आत्मा अपना कल्याण करे, फिर शरीर का कल्याण हो, तो दो बातें अलग अलग हैं। आवाहन करना अलग बात और दान देना अलग बात। योग का दान देना है, याद का दान देना है, वो दान देना है प्रकृति को, और आवाहन करना है लक्ष्मी का। मुसलमान ही जाते भले जाते हैं, लेकिन दुनिया का दुनिया के हिसाब से, दुनिया के लोगों के हिसाब से बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान काबा ही है।
क्योंकि उनका संगठन बहुत बड़ा है। अगर इसको वेद में लागू किया तो हाँ, तो वेद की काबा में सांप धर्म वाले आते हैं, उसमें खास तो सांप धर्म वाले ही बाप के सबसे बाप के सर्व कहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में वेद का काबा की भी शूटिंग हो रही होगी, वो कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया में जहां वेद का काबा है तो कन्वर्टेड होने वाले मुसलमान कहां जा रहे होंगे? अभी कहां जा रहे होंगे? माउंट आबू जा रहे हैं अभी, वो वेद का काबा है। तो उस हिसाब से भी आबू ही बड़े से बड़ा तीर्थ होगा। जहां मुसलमान तो क्या, छोटे मोटे जो मठ पंथ वाले हैं वो भी अपने तीर्थ स्थानों को भूल जाएंगे और आबू को ही तीर्थ मान करके बुद्धि उनकी वही अटकी रह जाएगी। और बाप के सामने जिस्म के साथ आपके बच्चे बोलते हैं, बाप के सामने जिस्म के साथ बच्चे आते हैं वो तो प्रति सम्मुख आते डूब जाते बोलते बोलते बाबा ने कहा, वो तो प्रेत तो सम्मुख आया बोलते हैं सम्मुख और गुरु को वो भी होते हैं बोलते हमारे आज बताया। तो आत्मस्थिति माना सम्मुख, देखिए स्थिति माना बेमुख, भूत प्रेतों का माना तो जिस्म में ही जो जिस्म के साथ बाबा से मिलते हैं उनमें ही भूत प्रेत आत्मस्थिति और देहान होता है, इसके बारे में ही बाबा ने सोचा। हाँ, जैसे ब्रह्मा की सोल है, फरिश्ताई सोल कहेंगे या इविल सोल कहेंगे? फरिश्ताई सोल है तो वो फरिश्ताई सोल भी जब नजदीक आती है, रुद्रमाला के मणकों के नजदीक पहुंचती है तो रुद्रमाला के मणके तो सारे ही बीज रूप हैं, जिनका ओरिजिनल रूप ही बीज है उनको बीज रूप स्टेज में टिकने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, इसलिए उनके नजदीक पहुंच करके जो ब्रह्मा की आत्मा है वो भी बीज रूप बन जाती है, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाती है। दूर होती है तो देह अभिमानी बन जाती है, काबा बानों को सपोर्ट करती है। जो ब्राह्मण की दुनिया का बेहद का काबा है, मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में फरिश्तों की बहुत मान्यता है, वो देवताओं को नहीं मानते, नहीं पूजते, और सनातन धर्म में देवताओं की मान्यता है, भूत प्रेतों की पूजा निष्कष्ट पूजा मानी जाती है। और वेद का आगू माना हम कोर्स लेते हुए वो मिनी मधुबनी के लिए बोला, मिनी मधुबनी के लिए बोला। यहाँ भी बड़े से बड़ा आबू तीर्थ नहीं, उसे
महामधुवन नहीं कहेंगे। महामधुवन वो जहां भक्त भी खींचे, भक्त आत्माएं भी खींचे, जहां राजसी आत्माएं हैं वो भी खींचे, और जो प्रजावर्ती आत्माएं हैं वो भी खींचे, सारी दुनिया का खिंचाव जहां हो जाए वो है महामधुवन। अभी तैयार नहीं हुआ है, तैयारी हो रही है। परमानेंट भगवान और टेम्पररी भगवान के बारे में बाबा कैसे ने सुना है कि एक ऐसे में शंकर भगवान राम भगवान कहते हैं, तो वो तो खास इंसान ही है, इंसान को कैसे मिला है वैसा बोलते बोला बाबा ने। तो फिर परमानेंट और टेम्पररी दोनों अभी साथ में होनी चाहिए। मुरली में परमानेंट भगवान और टेम्पररी भगवान की बात नहीं आई है। मुरली में टेम्पररी रथ और परमानेंट रथ की बात आई है। रथ को भगवान तो नहीं कहेंगे, रथ तो जड़ है। रथ में बैठने वाली और रथ को चलाने वाली आत्मा चैतन्य। तो जो बैठने वाली आत्मा है वो रथवान है, और रथ को चलाने वाला उसका सर्वेंट है। रथवान बड़ा या रथ को चलाने वाला बड़ा है? चलाने वाला बड़ा कहा जाता है। दुनिया में जो रथ को हांकता है, ड्राइवर होता है, वो बड़ा होता है, है? या जिसके लिए ड्राइविंग करता है वो बड़ा होता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। परंतु रथ भी दो बता दिए, एक टेम्परेरी रथ और एक मुकर्रर रथ। मुकर्रर वो जो आज से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाला है, तो जो टेम्परेरी रथ है उसमें भी भगवान सारथी बनकर के पार्ट बजाता है, और मुकर्रर रथ में भी सारथी बनकर के पार्ट बजाता है। उस हिसाब से कह सकते हैं कि टेम्परेरी भगवान कौन और मुकर्रर भगवान कौन। मरते हैं तो अंत समय में किसका नाम लेते हैं? राम नाम सत्य है, राम का नाम लेते हैं। अंतमते सो गते, जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। अंत में भगवान के रूप को पहचान लिया तो सब कुछ पहचान लिया। अंत का बहुत गायन है, इसलिए हैं तो 9 लाख आत्माएं 84 जन्म लेने वाली, लेकिन उनमें अंत देखने वाले कौन हैं? और उन 9 लाख में ऐसे कौन हैं जो अंत नहीं देख पाते, या अंत को देखने और सुनने मात्र से ही भय लगता है? अरे बाबा हमारा तो शरीर उठा लेना, वहां हमें विनाश का नजारा न देखना पड़े। ये नहीं समझते हैं
इस विनाश के नजारे के सामने हमको छत्र छाया के रूप में सुरक्षा देने वाला साथ साथ होगा। सदैव साथ होगा। मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं कि कयामत के टाइम पर खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। देवी दादी के रूप में पूजी जाती हैं, बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको अर्पण कर देती है, लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है, नवरात्रे। देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है जिसके लिए पहले ही बोल दिया, तुम्हारे संकट लाखों की तादाद में हो जाएगी। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएगी। अभी हो गए क्या? नहीं, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तुम्हारे सेंटर्स में जो आने वाले जिज्ञासु होंगे वो करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की पूजा होती है साल में देवियों की, नवरात्रे कहे जाते हैं। लेकिन थोड़े समय की होती है, लंबे टाइम की नहीं होती। बेसिक में 40 वर्ष गाए हुए हैं। बेसिक ज्ञान कितने साल चला?
बेसिक ज्ञान, सिर्फ बेसिक ज्ञान, एडवांस की बात निकाल दो। कितने साल है? 40 साल। और कोई ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं चला 40 साल, लेकिन उसमें देवियों की पूजा कितने साल होती है? और वो पूजा थोड़े साल हो करके अब डूबी जा शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में डूबी जा कब से शुरू हुई? कौन से सन से शुरू हुई? 76 से। 76 से पहले और 68 के बाद बहुत करो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, मम्मा के स्थान पर कोई दूसरी देवी ने कुर्सी ले ली और उनकी पूजा शुरू हो गई। तो 8-9 साल होती है देवियों की पूजा। फिर भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है और डूबी जा शुरू हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा। जो एडवांस ब्राह्मण है, बाप गुप्त हो जाएगा और भक्त लोग क्या बोलेंगे? जय माता दी, पिताजी जैसे गायब। माता कोई विधवा नहीं होती है, न विधवाओं की पूजा होती है भारत में, लेकिन पिता भुक्त होकर के पाठ बजाते हैं। बच्चों का भी करिश्मा देखते हैं, क्या करिश्मा करते हैं, कहां तक स्वर्ग बनाते हैं, यह स्वर्ग बनाने लायक बने हैं। स्वर्ग बनाते हैं या नरक बनाते हैं, देखेंगे तो ना, तो देखते हैं, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ जी, ऐसे ही तब से ही माला ब्राह्मण की माला बननी होती है। जब माताओं की, जय माता जी, माताओं की पूजा होती है या होने के बाद ही माला बनाना शुरू हो गया, तब तक ब्राह्मण की माला नहीं करती क्या? तो माला तो तब बनाई जाए जब माला बनाने से पहले अलग अलग ग्रुप मणकों के बना के तैयार रख लेते हैं। चार पांच ग्रुप इधर रख लिए, चार ग्रुप पांच ग्रुप इधर बना के रख लिए, फिर उनको नंबर वार पे रोना शुरू करते। तो जरूर पहले एक आएगा, जो एक आएगा वो फिर ऐड होगा विजय माला में। ऐसे ऐसे ऐड होते जाते हैं। माला तैयार हो जाती है।
तो जब देवियों की प्रत्यक्षता होती है उस समय माला तैयार नहीं होती। जब डूबी जा हो जाती है तब माला तैयार होती है। डूबी जा करेंगे कब? बाप प्रत्यक्ष होगा, सच्चाई प्रत्यक्ष होगा, सच बाप प्रत्यक्ष होगा, तभी तो झूठ का डूबी जा होगा। झूठा डूबेगा और सच्चा प्रत्यक्ष होगा। संचंतर में भी ऐसे ही हुआ, वो छोटे रूप में हुआ और गुप्त रूप में हुआ। अभी बड़े रूप में होगा, क्योंकि माला बड़ी है। माला को बनाने वाला तो अति सूक्ष्म है। छत्तर में जो हुआ वो बहुत छोटा रूप था। अभी तो पूरी माला तैयार होगी और नंबरवार मालाएं तैयार होंगी। 8 की माला, 108 की माला, 1008 ब्रह्मा की सहयोगी भुजाएं, जिनका गायन है श्री श्री 1008, 16,000 की माला, फिर लाख सालिग्राम, दो लाख सालिग्राम, बढ़ते बढ़ते इतने हो जाएंगे 4 लाख सालिग्राम, 9 लाख में 4 लाख तो देखने में ही नहीं आएंगे, वो तो प्रवेश करने वाली आत्मा है। और